लोग जानते हैं कि गीता कब बनी है? ईसवी सन से 3100 वर्ष पूर्व, जब से आपका सन शुरू होता है 1980 चल रहा है, इससे 3100 वर्ष पूर्व मार्ग शीर्ष के महीने में यानी अगहन के महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी को गीता की रचना हुई और वेद व्यास ने रचना की। ये भगवान का बनाया हुआ ग्रंथ नहीं है, ये वेद व्यास का बनाया हुआ है। वेद व्यास ने ही वेदांत ग्रंथ बनाया, ब्रह्म सूत्र, वेद व्यास ने 18 पुराण बनाए, महाभारत बनाया और ये गीता का भी उन्होंने ही प्राकट्य किया। और ये भी आप लोग समझ लीजिए कि वेद व्यास ने जितने ग्रंथ बनाए उन सब में सबसे पहले गीता को प्रकट किया, उनका पहला ग्रंथ है गीता। आप कहेंगे क्यों? महाभारत में 1,00,000 श्लोक है जो 1080 दिन में बने। सोचिए वेद व्यास की प्रतिभा, 1,00,000 श्लोक की रचना कुल 1080 दिन में, यानी एक दिन में लगभग 100 श्लोक, यानी 5 मिनट में 1 श्लोक। सोचिए उन वेद व्यास ने सबसे पहले गीता की रचना की और इस बात को महाभारत में 4 बार आउट किया गया। गीता ग्रंथ के बारे में जिक्र किया गया महाभारत में 4 बार, इसका मतलब गीता पहले बनी। ब्रह्म सूत्र में भी स्मृति शब्द से गीता का वर्णन किया गया, इसका मतलब वेदांत से भी पहले बनी। पद्म पुराण में प्रत्येक अध्याय का महात्म्य लिखा है, इसका मतलब पुराणों से भी पहले बनी गीता। 12 पुराण में भी गीता का वर्णन, योग वासिष्ठ आप लोग कोई सुने हो उसमें 27 श्लोक गीता के ही ज्यों के त्यों रखे हुए हैं, इसलिए योग वासिष्ठ से भी पुरानी गीता, यानी सर्वप्रथम गीता का प्राकट्य किया वेद व्यास ने। तो वो गीता इतने दिनों से 5,000 वर्ष करीब हो गए, करोड़ों ने सुना पढ़ा, बड़े बड़े भाष और लिखे भी बहुत से लोगों ने। संसार में आज सबसे प्रचलित तो अगर हिंदू धर्म की कोई पुस्तक है विश्व में तो केवल गीता। इंग्लैंड के एक फिलोसफर ने लिखा है कि इंडिया के एक गाय के चरवाहे ने, जो कि अंगूठा छाप था, उसने एक किताब लिखी है जिसकी टक्कर में अनादिकाल से अब तक कोई किताब ही नहीं बनी। जब इंडिया के बेपढ़े लिखों का ये हाल है तो पढ़े लिखों का क्या हाल होगा? उसने हिस्ट्री पढ़ी होगी, कोई श्री कृष्ण थे, वो गाय चराया करते थे, ऐसे उद्धव किया करते थे, उन्होंने गीता का लेक्चर दिया है वो भी रण क्षेत्र में, कोई सिचुएशन नहीं लेक्चर देने की, हाँ तो वीर रस है। तो इतने दिन इतने व्यक्ति इतना परिश्रम करके भी और अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो कितने अर्जुन बने? हो सकता है आप लोग अर्जुन के बराबर हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन फिर भी आप लोग सोचिएगा अकेले में कितने अर्जुन बने। और अगर एक जिसने गीता पुस्तक भी नहीं देखी है, भाष्य पढ़ने की कौन कहे, वो भी बोलचाल में कह देता है गीता में लिखा, गीता में लिखा। हमसे कह देते हैं और छोड़ दीजिए, महाराज जी गीता में तो ऐसा लिखा। गीता को आप देखे हैं, जानते हैं, पढ़ा है, कुछ समझा है, कौन कौन भाष्य पढ़ा है, ये हाल है लोग। तो गीता के अधिकारी इन्हें गिने होते हैं, लेकिन अधिकारी बनने के लिए भी तो कुछ समझना होगा, अधिकारी कैसे बनेगा फिर? इसलिए
गीता का प्रवचन आमतौर से हुआ करता है, भाई सुनते रहो, धीरे 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 अधिकारी बनोगे। अस्तु, ये गीता शब्द जो है ये स्त्रीलिंग का वाचक है गीता, लेकिन गीता शब्द कोई होता नहीं है संस्कृत में, कोई शब्द नहीं बनता गीता, गीत शब्द है और वो नपुंसक लिंग है गीत शब्द, और सब जगह आप लोग गीता पढ़ते सुनते हैं। ये गीता शब्द जो नाम पड़ा इस गीता का, ये अकेली गीता शब्द से ये नाम नहीं पड़ा, ये शब्द है गीतोपनिषद, तो उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए उसका विशेषण होने से गीता भी स्त्रीलिंग शब्द बन गया, इसलिए गीतोपनिषद कहलाता है। साथ में लोग बोल देते हैं गीता, ठीक। अब आप समझ गए, गीता का अधिकारी कोई इना गिना होता है और सुनाने वाला तो फिर बहुत ही बिरला। आप लोग कहेंगे भाई ये गीता किसने सुना या अर्जुन ने सुना तो क्यों सुना, गीता सुनने का प्रयोजन क्या, ये गीता का प्राकट्य हुआ क्यों। अरे आप लोगों से कोई पूछे आप लोग यहां क्यों आए गीता भवन में, तो आप लोग क्या उत्तर देंगे, कृपालु से मिलने आए। अरे कृपालु किराया दे तो आप लोग नहीं आओ, फिर क्यों आए, अजी अपने मतलब के लिए आए, क्या मतलब, क्या मतलब, ये सवाल बड़ा टेढ़ा, क्या मतलब, अजी गीता के ज्ञान के लिए आए हम लोग, बहुत बार गीता सुना हमने, कहा एक बार और सुन लेते एक घंटा, तो गीता ज्ञान आप चाहते हैं जी, हाँ क्यों क्यों क्यों, क्या गीता ज्ञान नहीं है हमको इसलिए चाहते हैं। अरे तुम गीता ज्ञान लेके क्या करोगे, अरे तुम तो कहते हो संसार में सुख है, स्त्री पति बाप बेटे रसगुल्ले में, लखपति करोड़पति अरबपति बनने में, एक गीता ज्ञान लेके क्या करोगे तुम, नहीं जी वो सब हम लोग भोग चुके, तमाम संसार भोग चुके जब से पैदा हुए, कुछ काम बना नहीं, क्या काम बनना है आपका, कोई काम है आपका, हाँ क्या, हम लोग आनंद चाहते, सुख चाहते, रस चाहते, शांति चाहते, पीस चाहते, हैप्पीनेस चाहते, सुखम में भूयात दुखम में मा भू, हमको सुख मिले दुख ना मिले, इसका मतलब दुख मिलता है जी हाँ, अगर दुख न मिलता होता तो फिर सुख की भूख क्यों होगी, दुख मिलता है तो आप सुख चाहते हैं जी हाँ, सुख चाहते, उसी सुख के लिए आप गीता ज्ञान चाहते होंगे कि गीता में उस सुख को पाने के लिए क्या लिखा है, अगर वो पता चल जाए तो फिर हम ये जो संसार में भाग दौड़ कर रहे हैं, यहां तक कि संसारी वैभव से आगे बढ़कर स्वर्ग सम्राट बनने की भी बीमारी हमको लगेगी, लग चुकी है, वो सीट मिल चुकी है, आप लोग जितने आ बैठे करोड़ों बार इंद्र बन चुके हैं, इंद्र क्योंकि याद नहीं होगा, अब आप क्या सोचते हैं 1 लाख हो जाए तो लाख काम बन जाए, अरे जब स्वर्ग सम्राट होकर काम न बना आपका जिसके अंदर में कुबेर है, तो ये लाख करोड़ अरब में आप क्या प्लान करा रहे हैं, धोखा, वो कोई और चीज है, वही गीता में ढूंढना है क्या है। चलो इतने बड़े समुद्र से और थोड़े से रत्न निकालना है, आप लोग बहुत सावधान होकर सुनेंगे तो कुछ मिल जाएगा, और नहीं हम तो बोलेंगे। भगवान राम ने एक बार लेक्चर दिया अयोध्या में, उन्होंने कहा भाई सुन लीजिए आप लोग,
सुनहु और करहु जो तुम्हें सुहाई, क्योंकि तुम लोगों ने तो एक सिद्धांत बना रखा है, सुनो सब की करो मन। अरे कितने बाबा यहाँ आए, कितने जगत गुरु आए, कितने महामंडलेश्वर आए, हम कितनों को सुनकर पास कर दिया सबको, जाओ हम लोग जहां के तहां खड़े हैं, कोई चेंज नहीं। और संसार में आसक्ति बढ़ती जा रही है, जितना गीता ज्ञान होता जा रहा है। लेकिन निराश नहीं होना, निरुत्साहस दीनस्य शोक परजातुलात्मनः सर्वार्था व्यवसीदन्ति जठरं चाधिगच्छति। अगर कोई उत्साह रहित हो जाए, निराश हो जाए, तो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। एक छोटा सा बच्चा चलना सीखता है तो कितने घंटे परिश्रम करता है, हजारों बार गिरता है, रोता है, लेकिन बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही वो अपने मन में संकल्प किए बैठा है, मैं चल कर दिखा दूंगा। क्या किसी माँ ने और बाप ने उसको लेक्चर दे के समझाया है, बेटा चलना परमावश्यक है? उसे रहा ही नहीं जाता, बार बार गिरकर भी वो चलना सीखता है। और फिर आप लोग चल ही रहे, देख ही रहे, कहां पहुंच गए। और यह भी आप लोग ध्यान रखें कि इस ज्ञान प्राप्ति के लिए या उस परमानंद की प्राप्ति के लिए या ईश्वर प्राप्ति के लिए उधार करना भी सबसे बड़ी भूल है। अगर आप लोग ये कहें कि हम लोग जानते हैं गीता में क्या लिखा है, ठीक है, तो आपने किया वो? नहीं जी, हमने तो ये किया कि जैसे गीता में लिखा है ना, कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसे हमने पाठ किया, पाठ किया। अरे भाई गीता में तो अर्जुन को भगवान ने बताया है कि तुम ये करो, और तुमने भी यही कह दिया मामेकम शरणम ब्रज। तुम किससे कह रहे हो मामेकम शरणम ब्रज? भगवान तो अर्जुन से कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, और तुम जो गीता का पाठ कर रहे हो कि मामेकम शरणम ब्रज, तुम किससे कह रहे हो, तुम्हारा शिष्य कौन है? अजी मैं तो शब्दों को पढ़ा करता हूं, मेरे गुरु जी ने बताया तुम पाठ किया करो, गीता को रट लो और उसको बोला करो। प्रैक्टिकल नहीं हुआ, उधार किया। वो ऐसा है महाराज जी कि अभी जरा कुछ जरा गड़बड़ चल रहा है अपने गृहस्थ में, जरा बेटी का ब्याह कर दे, बेटे का ब्याह कर दे, जरा वो भी धंधे से लग जाए, वो भी हो जाए, तो फिर तो बस मैं यही करूंगा। आपको पता है अनंत जन्म बीत चुके हैं आपके, भगवान आपसे सीनियर नहीं है, आप भी अनाज भगवान भी अनाज, अनंत जन्म बीत चुके, क्यों किसी उधार में। न श्व श्व उपासित को ही पुरुषस्य सो वेद, वेद कह रहे हैं कि श्व श्व मत करो, कल करूंगा कल करूंगा, ये मत सोचो कल तुम्हें मिले न मिले। वो ही जानात कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति, महाभारत, कौन जानता है कल हमको मिले न मिले। बड़े बड़े प्लान बनाने वाले इंद्रादिक नहीं रह सके, जहां आप सुनते हैं कि अमृत है, इंद्र के यहां अमृत है और बिचारी की समाप्ति होती है। 47,24,000 वर्ष का चार दिन, 71 बार चार दिन बीत जाए तो एक मनमंत्र, बस खत्म। 14 मनमंत्र बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन, इतनी बड़ी रात उसे कल्प कहते हैं, उस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष, खत्म, वो भी खत्म। ये विश्व तो नश्वर है, चाहे स्वर्ग हो, चाहे मृत्यु लोक हो, चाहे नरक लोक हो, कोई हो, उधार न करो, तुरंत करो। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं, यावत् च दूरे जरा, और यावत् चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता, यावत् क्षयो नायुषा, आत्मश्रेयसि तावदेव सुधिया, कार्य प्रयत्नो महान्।
प्रोद्दीप्ते भवने च कूपखननम प्रत्युद्यम कीदृशः। हमारे आप्त महापुरुष कहते हैं जब तक ये शरीर स्वस्थ है कुछ कर लो, अगर इस शरीर में कोई बीमारी लग गई तो फिर ईश्वर का चिंतन करने बैठोगे तो बीमारी का चिंतन होगा, ईश्वर का नहीं होगा। तुम सोचते हो बुढ़ापे में ईश्वर का खाता हमने छोड़ रखा है, जब संसार से बेकार हो जाएंगे, संसार वाले नहीं पूछेंगे, सब अपमानित करेंगे, तो भगवान का भजन कर लेंगे। बुढ़ापे में भजन नहीं हुआ करता, धोखा है आपको। तुरंत करो, घर में आग लगी, अब आप कुआं खोदने जा रहे हैं। अरे कुआं खोदना तो दूर रहा, चार फुट की गहराई भी न पहुंचोगे और सारा घर भस्म हो जाएगा। सावधान हो, तुरंत करो, जल्दी करो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, वेद कहता है उठो जागो, महापुरुषों की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करो, जल्दी करो। इह जे दशकत बोधुम प्राक शरीरस्य विस्मृतः, शरीर छूटने के पहले ही कर लो, और शरीर कब छूट जाएगा ये पता नहीं, इसलिए इमीडिएटली तुरंत करो। ओ मैं वेदों में जा रहा हूं, अच्छा गीता में आइए। हाँ गीता में मैंने आपको बताया अनेक आचार्यों के भाष्य हैं और गीता में अनेक मार्गों का प्रतिपादन भी है, लेकिन एक छोटी सी बात पहले आपको हम संकेत में बताते हैं कि गीता में अर्जुन को अज्ञान आया मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने ज्ञान करा दिया और युद्ध हुआ। यही तो गीता का मतलब एंड है। लेकिन मुझे कुछ डाउट है। आपको डाउट? हाँ अर्जुन को अज्ञान था ये बात मैं तो नहीं मानता, ऐसा गीता में लिखा होगा, आप लोग मानिए, अच्छा है अपना विचार है। क्यों अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा? हाँ ठीक है अर्जुन ने कहा युद्ध नहीं करूंगा, और क्यों नहीं करूंगा? ये भी अर्जुन ने कहा कि इन सबको मारूंगा, स्त्रियां विधवा होंगी और संतान बनशंकर होगी, पाप होगा, नरक मिलेगा, ऐसा मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता। तो ये अज्ञान आया। हाँ आया, लेकिन एक बात बताओ, अभी आप बैठ जाइए, एक बात बताओ कि ये महाभारत के पहले आप लोगों ने सुना होगा दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारिका गए थे श्री कृष्ण से हेल्प मांगने के लिए। ध्यान दीजिए, दुर्योधन सिरहाने बैठ गया पलंग के, ठाकुर जी सोने की एक्टिंग कर रहे थे, और अर्जुन पैर की तरफ बैठ गया और श्री कृष्ण ने हाथ बंद कर रखा था एक्टिंग में। जब श्री कृष्ण ने हाथ खोला तो आंख सामने खुली, अर्जुन दिखाई पड़ा। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम कब आए, अरे कैसे आए, क्या काम है बताओ, अरे तुम्हारा सखा हूं। दुर्योधन पीछे से बोला श्री कृष्ण जी मैं पहले आया हूं। ओ आप भी आए? आप श्री कृष्ण धर्म संकट में पड़ गए कि अगर मान लो दोनों एक ही चीज मांगने आए हो, तो हमने देखा पहले अर्जुन को, पूछा पहले अर्जुन से, और आया है पहले दुर्योधन, अब क्या करें? उन्होंने कहा अच्छा भाई तुम दोनों एक ही प्रयोजन से आए हो, हमारी हेल्प लेने आए हो महाभारत में। दोनों ने कहा क्या क्या उसी के लिए आए। तो श्री कृष्ण ने कहा भाई देखो, एक तरफ तो मेरी 18 अक्षौहिणी सेना रहेगी हथियार सहित, सेना इतनी बड़ी और हथियार से,
और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा बिना हथियार के। तो आप दोनों चुन लीजिए, अगर दोनों एक ही चीज चाहोगे तो फिर मैं आगे फैसला और कुछ दूंगा, और अगर दोनों अलग अलग चीज मांग रहे हो तो फैसला हो गया। तो अर्जुन ने पहले कहा मुझे आपका जजमेंट स्वीकार, मैं आपको चाहता हूं शस्त्र रहित श्री कृष्ण को। दुर्योधन ने कहा कि बस दूसरी चीज मैं चाहता हूं, फैसला हो गया। जबल एक कोई बात नहीं, ठीक है तुमको फौज मिलेगी हथियार से, और अर्जुन तुमको मैं मिलूंगा बिना हथियार। जरा आप लोग पढ़े लिखे या गैर पढ़े लिखे कोई भी जो यहां बैठे हैं, जरा बुद्धि लगाइए कि अगर अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान नहीं जानता, नहीं मानता, तो दुनिया में कोई इतने बड़े भयानक युद्ध में और बिना हथियार का दोस्त मानेगा, क्या वहां पूजा करना है उसकी? कैसे उसने स्वीकार कर लिया बिना हथियार वाले श्री कृष्ण को? वही कह देता कि महासाबा ये भी कोई बंटवारा है, अरे नौ अक्षौणी सेना हमको दीजिए, नौ अक्षौणी सेना इनको दीजिए, आप न्यूट्रल रहिए, ये फैसला होना चाहिए इस तरह का। या अगर ये कहा जाए कि साहब 18 अक्षौणी सेना का बल अकेले श्री कृष्ण में है, तो कम से कम हथियार को हाथ में लो, बिना हथियार वाले श्री कृष्ण को लेकर हम क्या करेंगे? लेकिन अर्जुन बहुत खुश, यत्र योगेश्वर कृष्ण, वो जानता है जहां श्री कृष्ण है वही विजय है। तो ये बात जानना तभी हो सकता है जब अर्जुन ये समझता हो कि श्री कृष्ण ब्रह्म है, सब इनकी मुट्ठी में है, इनके संकल्प से ही सब कुछ होगा, ये ज्ञान अर्जुन को था 100%। तभी तो उसने शस्त्र रहित श्री कृष्ण को मांगा, और मांगा और दोनों को दोनों चीज मिल गई, दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हो गई। अब अर्जुन कहता है युद्ध नहीं करूंगा, जो ये हमारे गुरुजन हैं, ये हमारे रिश्तेदार लोग हैं, उनको कैसे मारें? तो क्यों जी, जब द्वारिका में तुम गए थे हेल्प मांगने, तो क्या आसमान को मारने की हेल्प मांगने गए थे? अरे तुमको मालूम तो था ही किसको मारना है, और बिना हथियार वाले श्री कृष्ण को भी तुमने स्वीकार किया था, तो ये नई बात कैसे पैदा हो गई युद्ध के मैदान में? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी अकल में बात नहीं आती थी, अर्जुन को अज्ञान था। और इससे और आगे चलिए, अगर संतुष्टि आपको न हुई हो तो, ये श्री कृष्ण नारायण है, अर्जुन नर है, ये पूर्व जन्म में ही अर्जुन महापुरुष हो चुका था, उसको भगवत प्राप्ति हो चुकी थी बद्रिकाश्रम में नर नारायण। आप लोगों ने पढ़ा होगा, पुराणों को सुना होगा, ये पूर्व जन्म में ही मायातीत शुद्ध महापुरुष है, भगवत प्राप्ति कर चुका है। तो क्या एक बार भगवत प्राप्ति करने के बाद फिर अज्ञान आ जाता है? अगर भगवत प्राप्ति के बाद फिर अज्ञान आ जाए तो ऐसी भगवत प्राप्ति को तो लोग कूड़ाखाना में फेंक देंगे, क्या फायदा जी? जन्मांतर सहस्रेशु, गीता के अनुसार हजारों जन्म मेहनत करके तो हम भगवत प्राप्ति करें, गीता ज्ञान प्राप्त करें, और फिर उसके बाद अज्ञान हावी हो जाए हमारे ऊपर, ऐसा कैसे हो सकता, असंभव। इसलिए अर्जुन को अज्ञान नहीं था, बल्कि हम सब जीवों के कल्याण के लिए अर्जुन ने अज्ञानी जीवों का प्रतिनिधित्व किया, ये अभिनय किया कि हम अज्ञानी की एक्टिंग करते हैं महाराज, अज्ञानी शिष्य और आप ज्ञानी गुरु। देखिए चालाकी, इसीलिए अर्जुन ने प्रारंभ में गीता में कहा शिष्यस्तेहं, इन्हें कहा दासस्तेहं, अंशस्तेहं, इन्हें कहा मैं तुम्हारा दास हूं, तुम मेरे इष्ट देव हो, मैं तुम्हारा अंश हूं, तुम मेरे अंशी हो, इन्हें कहा। वो कहता है शिष्यस्तेहं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु, क्योंकि
तत्व ज्ञान भगवान नहीं करा सकता, तत्व ज्ञान गुरु से ही होगा। आगे चलकर गीता में कहा गया है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। किसी वास्तविक महापुरुष की शरण में जाओ प्लस सेवा करो प्लस जिज्ञासु भाव से तत्व ज्ञान प्राप्त करो, तब ज्ञान होगा। कई शर्तें हैं उसमें, भगवान ज्ञान नहीं देगा, गुरु ज्ञान देगा। इसलिए अर्जुन पहले ही बोल देता है शिष्यस्ते हम, अब बोलो, अब भगवान बहाना नहीं कर सकते, गुरु के पास जाओ, मेरा ज्ञान प्राप्त करना है। तो अर्जुन कहता है मैं तो शिष्य हूं आपका, अब मैं कहां जाऊं, आप मेरे गुरु। ठीक, गीता शुरू हो गई। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, पहले तीन तत्वों का निरूपण हुआ कई अध्याय में। जीव क्या है भगवान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिख दिया, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। बिल्कुल हिंदी जानने वाले समझ लेंगे, ममैवांशो ये मेरा ही अंश है, और ये अंश कब बना तुम्हारा, तुमसे कब निकला, कब हुआ बने, सनातन, ये सनातन अंश है, कभी निकला ऐसा नहीं। तो जीव भी सनातन लेकिन ईश्वर का अंश, श्री कृष्ण का अंश, ये गीता कहेगी। और माया क्या है जी, तो माया नेता तरंति दे कौन, दैवी हेशा गुणमयी मम माया, ये मेरी दैवी गुणमयी मेरी पावर है माया। तो तीन तत्व गीता ने बताए, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। इसको और जगह भी बताया है दूसरे शब्दों में कि मैं ब्रह्म हूं और मेरी दो शक्ति है, भूमिरापो नलो वायुखम मनो बुद्धिरेव च अहंकार मे भिन्ना प्रतिकृष्टा अपरे जब तस्तन्या प्रकृति विद्य में पराम जीव भूताम महाबाहो ये दम धाधते जगत। गीता यानी एक मेरी शक्ति है अपरा प्रकृति, और एक शक्ति है परा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति माने माया, परा प्रकृति माने जीव। फिर वही निरूपण हो गया और आगे चलिए, द्वाविमौ पुरुषौ, दो पुरुष है लोके क्षरश्चाक्षर एव च, एक क्षर एक अक्षर, क्षर कौन माया, अक्षर कौन जीव, वही दो दो आ रहा है सब जगह। क्षर सर्वाणि भूतानि भूतस्थोक्षर उच्यते अयस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरागत चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। गीता अक्षर, अक्षर से अतीत वह पुरुषोत्तम ब्रह्म जो मैंने पहले बताया, जीव माया ब्रह्म, उसी को परा अपरा ब्रह्म, उसी को क्षर अक्षर ब्रह्म, और उसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ब्रह्म, एक नाने विदिता में आया है वही तीन वस्तु तीन तत्व, उसी को जिसको वेद कहता है भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत् उपनिषद। एक भोक्ता ब्रह्म जीव, एक भोग्य ब्रह्म माया, और एक प्रेरक ब्रह्म श्री कृष्ण। हाँ, तो गीता समझिए, तो ये तीन तत्व गीता ने बताए, अनाद्य अनंत शाश्वत नित्य सनातन। इन तीनों में किसी ने किसी को बनाया नहीं, और इन तीनों में कोई किसी का नाश नहीं कर सकता। क्या कमाल है,
और इनमें बड़ा अंतर है। देखो ब्रह्म सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, इतना बड़ा अंतर हो गया। ब्रह्म नित्य आनंदमय है और जीव, हम लोग जानते ही है अपना अपना हाल। और तीसरी शक्ति जो माया है वो तो जड़ है, जैसे फूल है जड़, ऐसी जड़ है। लेकिन उस माया को भी सर्वशक्तिमान भगवान भी उसका अत्यंत भाव नहीं कर सकता, उसकी शक्ति से बाहर। अगर भगवान माया को समाप्त कर दे तो हम सब लोगों की छुट्टी, छुट्टी माने मुक्ति। हाँ, अरे हम लोगों पर माया हावी है। एक शेर अगर खतरनाक सारे मुंबई में घूम घूम कर लोगों को खा रहा है, मार रहा है, और कोई शेर का शिकार कर दे, उसको मार दे, सब आराम से सोए छुट्टी। तो देखो भगवान के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। गीता में तो भगवान ने स्वयं कहा है, मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदसि धनञ्जय मया तत्मिदं सर्वं मत्तः सर्वं प्रवर्तते। बड़ी बड़ी बातें, लेकिन आप माया को समाप्त नहीं कर सके। अनंत काल हो गए, जी हाँ, वो माया को मैं समाप्त नहीं कर सकता हूं। वो दैवी है, वो एक पावर है। पावर का अत्यंत अभाव नहीं हो सकता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, गीता। किसी भाव का अभाव नहीं हो सकता, उसका रूपांतर भले ही हो जाए। तो फिर तीनों शक्तियां अनादि है, लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन ईश्वर इन दोनों शक्तियों का अध्यक्ष है, वो शक्तिमान है। ये दोनों शक्तियां उसके अंदर में, इसलिए जब शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं है तो हम ये भी कह देते हैं बस एक है, एकम सद विप्रा बहुधावदन। ये तीन गुण नहीं है, केवल एक ब्रह्म है। और हम क्या है, हम भी ब्रह्म ही है। क्यों ब्रह्म कैसे है जी, अरे उसके अंश है ना। हाँ, तो वो ब्रह्म ही हुए, उसकी शक्ति है ना। अरे कमजोर है, निर्बल है, अल्पज्ञ है, असमर्थ है, ला लिया है तो उसके अंश। आज कोई बाप बड़ा काबिल हो, उसका बेटा अंगूठा छाप हो, तो बेटा तो यही कहेगा मैं उसका लड़का हूं, और सब लोग स्वीकार करेंगे। योग्यता हो ना हो, तो उसी प्रकार अमृतस्य वै पुत्राः, वेद कहता है हम सब भगवान के पुत्र हैं, संतान हैं, अंश हैं, चैतन्य हैं, नित्य हैं। तो फिर हम भगवान से भिन्न का या आत्मनिष्ठत, वेद कहता है हम तो भगवान में ही रहते हैं। अगर भगवान में हम न रहे तो हम न रहे, हमारी पर्सनैलिटी ही न रहे। तो जब शक्ति शक्तिमान को एक करके हम बोलते हैं, तब वेद शास्त्र पुराण या कोई ग्रंथ कहता है एक ही ब्रह्म है और कुछ नहीं। सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। और जब व्याख्या करके बोलते हैं कि उस एक के दो और हैं जो उनकी शक्ति है, माया और जीव, तो तीन बन गए। क्योंकि हमको तो अभी उस एक को प्राप्त करना है ना, इसलिए हम जीव हुए और उसको प्राप्त करना है वो ब्रह्म हुआ, और इससे छुटकारा पाना है ये माया। छुटकारा, ध्यान दीजिए, माया को मार नहीं सकते हम लोग या कोई महात्मा संत कोई भी, छुटकारा पाना है बस। जैसे कोई बेड़ी होती है, बेड़ी, आप लोग कभी जेल गए हो तो, अरे वैसे भी जाते हैं लोग दोस्तों से मिलने, तो एक बेड़ी तमाम कैदियों के लगाई जाती है। आज इस कैदी का समय पूरा हो गया, 6 महीना बेड़ी खोल दिया, जाओ छुट्टी, वो चला गया। लेकिन बेड़ी है वो तो दूसरे कैदी को लगेगी, उसकी भी छुट्टी हो गई साल भर में, तुम भी जाओ। लेकिन बेड़ी है तो माया शक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता, खाली माया से छुटकारा पालेगा, अपनी छुट्टी पालेगा बस। और क्या करना है किसी को, भाई हम छुट्टी पाए, जान बची लाखों पाए,
अब ये पता लगाना है कि उस भगवान को पाने के लिए जीव क्या करे, इस विषय में गीता क्या कहती। तो गीता में अनेक बातें कही गई, वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजलि, वैशेषिक, छहों शास्त्रों का निरूपण किया गया। हाथी घबरा गया, विकास महाराज ने सब लंबा चौड़ा लेक्चर पहले समझाया कर्म, फिर समझाया ज्ञान, तो कर्म को बता दिया गुह्य, एक गुप्त बता रहा हूं बात, गुप्त बात, प्राइवेट बात। क्या प्राइवेट बात? कर्म करो, कर्म करो। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं बिल्कुल संक्षेप में बोलूंगा। अर्जुन कहता है कर्म करूं, क्या कर्म करूं? यही जो तेरा कर्म है वो कर। स्वे स्वे कर्मण्य फिर कहा सर्वसिद्धिम लभते नरा, अपना अपना कर्म करो। ब्राह्मण अपना करे, क्षत्रिय अपना करे, वैश्य अपना करे, शूद्र अपना करे, ब्रह्मचारी अपना करे, गृहस्थी अपना करे, बालकृष्टि अपना करे, सन्यासी अपना करे, जैसा वेद में कहा गया। इससे क्या मिलेगा? कितना बढ़िया क्वेश्चन अर्जुन का। इससे क्या मिलेगा? अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, तो मैं आपकी बात मान लू गुरु जी, तो इससे क्या मिलेगा? क्योंकि फल के अनुसार ही तो शिष्य को इच्छा होगी करने की। भगवान ने कहा हतो वा प्राप्तसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्षसे महीम। अगर तू जीत गया तो पृथ्वी, और महाराज अगर हम मारे गए तो स्वर्ग और ऊंची चीज। अरे पृथ्वी वाले स्वर्ग जाने के लिए लड़ते रहते हैं। आप लोग जितने यहां बैठे हैं, प्रायः सभी लोग अपने बाप दादों के मरने पर चिट्ठी लिखते हैं, हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और वेद कहता है, आप लोग बुरा मान जाएंगे, माना करें हम तो बोल देते हैं, वेद कहता है कि प्रमूढ़ा, जो घोर मूर्ख होते हैं वे स्वर्ग जाते हैं। अविद्याया मंत्रे वर्तमाना, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, जंघन्यमाना, पर्यंत मूढ़ा, अंधेरे नियमाना, यथान्धा, यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्त रागा, तेना तुरा अखिल लोकाश्चिवन्ते। अविद्यायां बहुधा वर्तमाना, स्वयं कृतार्ता इत्यस्मिन् विन्दन्ति बाला, नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वेमं लोकं हिनतरं वा विशन्ति। तो महामूर्ख लोग हैं जो मेहनत करते हैं स्वर्ग जाने के लिए और स्वर्ग जाते हैं। तो इसका मतलब आप जो चिट्ठी लिखते हैं, हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो इसका मतलब हमारे पूज्य पिताजी घोर मूर्ख थे। नहीं जी, हम ऐसा कैसे कहेंगे, हम तो उनकी तारीफ में लिखते हैं पूज्य पिताजी। तो फिर आप स्वर्ग क्यों भेजते हैं? वैकुंठ भेजो, गोलोक भेजो, स्वर्ग काहे भेज रहे? अरे हम जानते ही नहीं स्वर्ग और वैकुंठ में क्या अंतर है। ये हाल है हमारे भारतवासियों का, और कहां तक कहे। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, देख दोनों हाथ लड्डू, मर जाएगा तो स्वर्ग, जीत जाएगा तो पृथ्वी। अर्जुन ने कहा हाँ महाराज, दोनों हाथ में लड्डू तो है, स्वर्ग में आनंद है? आनंद तो नहीं है अर्जुन। तेतम भुक्ता दुर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृतलोकम विषंति। आनंद तो नहीं है। स्वर्ग के बाद फिर कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाना पड़ सकता है, है? कहां स्वर्ग और कहां गधा बनना पड़ेगा। जी हाँ, ये तो बहुत कष्टप्रद होगा। कोई आदमी अरबपति हो, उसके बाद भिखारी बन जाए, एकदम डाउन होने में बड़ा कष्ट होता है। धीरे धीरे डाउन हो तो कोई बात नहीं, सह लेगा। कहां तो स्वर्ग। तो महाराज फिर तो ये मुबारक हो आप को, स्वर्ग और पृथ्वी। पृथ्वी को तो हम जानते हैं महाराज यहां सुख नहीं है, और स्वर्ग में आप बता रहे हैं कि सुख नहीं है। और आप कहते हैं कर्म करो। एक सूफी संत हुए हैं लतीफ, उन्होंने लिखा है, अवगुण रुस्से रुमका, पीरी दुनी रूठा में,
भारती ने कहा है कि अगर मैं अपराध करता हूं, पाप करता हूं तो दुनिया नाराज होती है, अगर मैं पुण्य करता हूं तो भगवान नाराज होता है। अजीब मुसीबत है मेरे ऊपर, अच्छा काम करूं तो भगवान नाराज, बांध दिया जेल, बुरा काम किया जेल, अच्छा काम किया तो जेल ए क्लास का स्वर्ग, बुरा काम किया तो जेल सी क्लास का नरक, अच्छा बुरा कंबाइंड मिक्सचर किया तो जेल बी क्लास का मृत्युलोक, पुण्य न पुण्य लो तम ने पाप न पाप मुभाभ्या मनुष्य लोकम मेरे बेटा। तो भगवान ने कहा चेला होशियार है, बेवकूफ शिष्य नहीं है, समझदार है। तो भगवान ने कहा अर्जुन तू ऐसा कर, क्या स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मानव यत् करोषि यदश्नासि यद्युहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषमदर्पणम्। तू मन मुझ में लगा दे और कर्म कर, मन मुझ में लगा दे, मैं ये मन आधत्स्व मैं बुद्धि निवेश है। अर्जुन ने कहा मन इनमें लगा दे, चलो लगा दे। लेकिन भगवान ने तुरंत ये भी किया मैं बुद्धि निवेश है, बुद्धि भी मुझ में लगाए रहना, अगर बुद्धि तूने अपनी अलग लगाई तो सब दूरों में टुसा हो जाएगा। प्यार तो है लेकिन अकल इतनी खतरनाक है कि हम लोगों ने अनादिकाल से अब तक अनंत भगवान के अवतार देखे, प्यार भी हुआ उनसे, संतों को देखा उनसे भी प्यार हुआ, लेकिन वो बुद्धि देवी जो वहां से चली और उन्होंने कहा ये भगवान नहीं हो सकता, क्यों ये रोटी और मक्खन के लिए रो रहा है, ये बालों से छीन छीन करके रोटी खा रहा है, इम्पॉसिबल। है श्री कृष्ण तो कोई साधारण सा ऐसे ले मैन है, राम रो रहे हैं स्त्री के लिए, है भगवान नहीं हो सकते, है मेरे पास किया बेवकूफ नहीं है। तो ये बुद्धि देवी को भी देना होगा, भगवान इशारा करते हैं मैं ये मन आधत्व मैं बुद्धि निवेश, मन बुद्धि दोनों देना होगा मेरे अंदर, मैं गवर्न करूंगा और शरीर तेरा, कर तू कर जो करने आए सो कर, मार करोड़ों खून कर, कोई दंड नहीं मिलेगा। तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्ध च, आगे चलकर ज्ञान मार्ग बताया, तो ज्ञान मार्ग भी यही बता दिया कि देख अर्जुन ज्ञानी को भी अपनी मन बुद्धि को मुझ में ही रखना पड़ेगा। ज्ञान योगे न चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते, ज्ञानी को भी मेरी ही भक्ति करनी पड़ेगी, बिना मेरी भक्ति के कोई भी ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, आदि जगत गुरु शंकराचार्य एक ब्रह्म सूत्र है परात्तु तच्छ्रुते, वेदांत सूत्र है परात्तु तच्छ्रुते, इसके भाष्य में लिखते हैं शंकराचार्य तद अनुग्रह हेतु के नहीं बच्चा ज्ञाने न मोक्ष सिद्धि भवित मर्हति, शंकर भाष्य, यानी मोक्ष पाने के अभिलाषी ज्ञानियों कान खोल कर सुनो, बिना भगवान की कृपा के वह ज्ञान नहीं मिलेगा जिससे मोक्ष मिला करता है, थ्योरेटिकल ज्ञान मिल जाएगा लेक्चरबाजी का, यानी माया निवृत्ति अज्ञान निवृत्ति जिसे कहते हैं वो तो भगवत कृपा से ही होगी, ही नहीं। ज्ञानी के लिए कोई रियायत नहीं है कि आपको भगवान के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, कमा लीजिए ज्ञान, कौन सा ज्ञान कमाएंगे, किससे कमाएंगे, मैटर क्या है आपके पास, इंद्रिय माइंड मटेरियल मन
ओ भी माई बुद्धि, ओ भी माई, कैसे जानेंगे आप ब्रह्म को? वो तुम अदृष्टम व्यवहार जन्म लक्षण अचिंत्यम है। उस भगवान को कौन सा मन सोचेगा? मन माया का, भगवान दिव्य, कौन सी बुद्धि जानेगी? बुद्धि माया की और भगवान दिव्य। बुद्धि तो आत्मा के अंदर में, वो परमात्मा को अंदर में कैसे कर ले? बुद्धि का प्रकाशक है भगवान, तो भगवान की प्रकाशिका कैसे हो जाएगी बुद्धि? इंद्रिय से परे, इंद्रिय का विषय का विषय, इंद्रियों के विषय से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे जीव, जीव से परे माया, माया से परे ब्रह्म। तो ये बुद्धि तो बहुत नीचे रह गई, वो भला ब्रह्म को कैसे जानेगी? कौन सी आंख देखेगी, कौन सा कान सुनेगा? जब भगवत कृपा होगी तभी ज्ञानी को भी मोक्ष मिल सकता है, ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस बात को गीता बड़ा स्पष्ट लिखा है। देखो एक अवस्था आई आत्मज्ञानी की, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु। ब्रह्मभूत हो गया आत्मज्ञानी, प्रसन्न रहता है सदा, कुछ भी हुआ करे, बेटा मर गया, बाप मर गया, सब कुछ हो गया, एक रस। जनक जी वो सबके आगे बैठाते थे याज्ञवल्क्य, वेद में कथा है, और लोग पीछे बैठते थे। तो एक दिन शिष्यों ने सोचा क्यों ये राजा है इसलिए आगे बिठाते हैं, जैसे आजकल के बाबा लोग भी यही करते हैं, ये साहब बहुत बड़े सेठ है तो आगे बिठाओ, तो सेठ जी खुश हो जाएंगे, तो लाख दो लाख दे देंगे, तो बाबा जी निहाल हो जाएंगे। ये जोकरी होती है, आप लोग देखे हो, जानते हो। तो याज्ञवल्क्य पर भी आक्षेप कर दिया। याज्ञवल्क्य ने कहा अच्छा हम बताते हैं, तो योग माया से गुरु जी ने आश्रम में आग लगा दी, आश्रम जलने लगा। तो सारे शिष्य जो पढ़ रहे थे वेद, ब्रह्म किसे कहते हैं, सब भागे छोड़ करके पढ़ना, किसी सबकी लंगोटी और वो कॉपी, वो कमंडल, दो चीज तो थी उस जमाने में, तो कोई सूट पहनते नहीं थे बच्चे जैसे आज पहनते हैं यूनिवर्सिटी में। वो लंगोटी ना जल जाए तो वेद पढ़ना छोड़कर सब भाग खड़े हुए। दूसरे दिन जनकपुर में आग लगा दिया याज्ञवल्क्य, प्रैक्टिकल नहीं, लोग माया से, अर्थात लोगों को दिख रहा है वैक्ट कुछ नहीं। अब जनकपुर से भागे भागे आए राजकर्मचारी और जनक सुन रहे थे वेद। उन्होंने कहा महाराज जनकपुर जल रहा है। हाँ गुरु जी, ब्रह्म क्या है सुनी नहीं रहे? फिर भाग क्या है महाराज, सब रानियां भी जल गई। हाँ गुरु जी, ब्रह्म क्या है? अब वहां योग माया समाप्त कर दिया, कहीं कुछ था तो है नहीं, एक्टिव थी। तो याज्ञवल्क्य ने कहा शिष्यो तुम अपनी लगोटी के लिए भागे और तुमने वेद का अध्ययन बंद कर दिया और इसकी सब रानियां भी जल गई, तब भी जनक तस से मस नहीं हुआ, इसलिए इसको आगे बिठाते हैं, ये अधिकारी है, इसलिए नहीं बिठाते हैं कि राजा है हमें बुद्धि देगा। धोखा है। तो ज्ञानी ही जो प्रसन्न आत्मा हो जाता है, न सोचति न कांक्षति, न उसको कभी शोक होता है, न कोई कामना रहती है, और सब जगह अपने आप को देखता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता, अभी माया भी है उसके ऊपर, और इतनी ऊंची अवस्था में जाकर भी, या इतना तो कर सकता है कोई साधना के द्वारा, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, फिर कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाना पड़ सकता है। देखो जड़ भरत इससे ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए थे, लेकिन एक हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, उसको पाला पोसा, और जब मरने लगे, शरीर छोड़ने लगे, तो हिरण के बच्चे की याद आई, तो मरने के बाद हिरण बनना पड़ा,
जड़ भरत सदी के ज्ञानी को। सुखदेव बोलते की बात कौन करे, आप तो सुना होगा भागवत वगैरह में। तो जब इतनी अवस्था पहुंच जाती है समस्त सर्वेश भूतेश, तो गीता कहती है मद भक्ति लभते पराम, तब मेरी भक्ति मैं देता हूं। तो भक्त्या मान अभिजानात यावान यस्यास्मि तत्पता, तब भक्ति से वो मुझको जानता, यानी पहले आत्मज्ञान हुआ था अब ब्रह्म ज्ञान हुआ, और फिर ये मुझको जानकर द्विषते तद अनंतरम, तब प्रेम करता। जानने से प्रेम होता है। आपको कोई अंगूठी पड़ी मिल जाए और एक आदमी सुनार ने बता दिया 100 रुपए की है, तो 100 रुपए का प्यार हो गया। एक जौहरी कोई बड़ा काबिल था, उसने कहा 1 लाख की है, हाँ, और प्यार बढ़ गया। एक और बड़ा जौहरी मिला, उसने कहा 10 लाख की है, हाँ, अंगूठी नहीं है, प्यार बढ़ता जा रहा। तो भगवान को जब पूरा पूरा कोई जान लेगा तो फिर प्रेम करना नहीं पड़ेगा, प्रेम हो जाएगा। जाना जितनी लिमिट में, प्यार हुआ उतनी लिमिट में। अगर आप लोग कहते हैं कि भगवान से मेरा प्यार बहुत कम है, तो आपने भगवान को माना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि भगवान को जाना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि संसार में सुख है आपने ये जाना है, इसलिए संसार में सुख है आपने ये माना है, इसलिए संसार में प्यार है। ये जाना माना प्यार तीनों एक साथ होता, इसीलिए गीता कहती है, ध्यान दीजिए, सा कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है, सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, सर्वविद सर्वज्ञ, इतना बड़ा शब्द रख दिया, अरे ज्ञान काफी था। सर्वविद जो हो जाता है पूर्ण ज्ञानी, फिर वो मेरी भक्ति करता है। और सर्वभावेन, इस सर्वभाव का भाष्य किया शंकराचार्य के अनुयायी मधुसूदन सरस्वती ने कि 5 भाव जो होते हैं, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, इस प्रेम भाव से परिपूर्ण होकर मेरी भक्ति करता है। और गीता में तो बड़ा स्पष्ट लिखा है, एक प्रारंभ, एक मध्य, एक अंत, तीनों को देखो। प्रारंभ में अर्जुन कहता है साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूं। प्रपन्नम खाली पन्नम नहीं, आजकल हम लोग भी महात्माओं को प्रणाम करते हैं, मंदिर के भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु वगैरह को प्रणाम करते हैं, तो प्रपन्न नहीं है वो प्रणाम, वो पन्न है। पन्न माने गिर जा, डंडे की तरह शरीर गिरा दिया, मन बाहर है, मन बुद्धि अपनी जेब में, शरीर से कह रहे हैं तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, ये एक्टिंग वाला प्रणाम। जिस समय आप लोग ये मंत्र बोलते होंगे मंदिर में खड़े होकर, तुम्हें वो माता, तो आपकी आत्मा क्या कहती होगी, वो संसारी मां से प्यार है कि पत्थर वाली मां से, आपकी आत्मा क्या कहती है, द्रविणं त्वमेव, तुम्हें मेरे बैंक बैलेंस, ये क्या हृदय स्वीकार करता है, अभी मेरे वो बैंक बैलेंस वो है असली जो हमारा बैंक में या जो ब्लैक मनी वगैरह है, वो हमारे काम का सामान है, ये हमारे धन है, ये बात जमती नहीं, क्योंकि हमारा हृदय संसार में अभी अनुरक्त है, या कुछ परसेंट अनुरक्त है भगवान में, बहुत थोड़ा, बहुत कम मात्रा है। तो जब तक मात्रा न बढ़ेगी 50% से ऊपर, तब तक तो अभी आप बड़े खतरे में। जब 50% से ऊपर आप चले जाएंगे शरणागति में, तब आपको बड़ा आराम सब मिलेगा, संसार की कोई परवाह नहीं है, क्या करेगा संसार हमारा, गाली बको सब लोग, कोई परवाह नहीं, सब मर जाओ, कोई परवाह नहीं। प्रैक्टिकल अवस्था में ऐसे नहीं कि पड़ोसी का लड़का मरा तो आप चले गए वहां और लेक्चर दे रहे हैं, वासांस जीना यथा विहाय
गीता के दूसरे अध्याय में लिखा है, जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े को फेंक देता है, नया कपड़ा पहन लेता है, ऐसे ही ये आत्मा अनेक प्रकार के शरीर चेंज करता है। ये आत्मा तो अजर अमर है, घैनम छिन्दन शस्त्राणि घैनम धातु पावक घैनम क्लेदियम त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्यो मक्लेद्यो शोषयेवच इत्यादि जो गीता में कहा गया आप तो। और जो आपके बेटे को टाइफाइड हुआ, मरा नहीं अभी, तो गीता ज्ञान गया। अरे सुनो डॉक्टर को बुलाओ। कौन? अरे ये डॉक्टर क्या बुला रहा है? वो डॉक्टर बुला के लाओ, बड़ा वाला ये रुपया कब काम आएगा? ये भीतर जो गड़बड़ है उस समय आउट होता है जब प्रैक्टिकल संसार हमारे सामने आता है। दूसरे को उपदेश देने में क्या है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे। ये जो दो दो रुपया मांगने जाते हैं पंडित लोग, ये आपको खूब सुनाते हैं कहीं गरुड़ पुराण, कहीं बड़े बड़े पुराण मरने के बाद। जरा पंडित जी से पूछे तुम्हारा क्या हाल है? अगर तुम्हारा बेटा मेरे किस और तो सुनोगे या कुछ सुना लोगे अपने आप को? सब ज्ञान काम नहीं देता। तो अगर प्यार होने की बात आई तो इसका मतलब ज्ञान हुआ। तो गीता के प्रथम अध्याय में प्रपन्नम कहा गया, पन्नम नहीं पूर्ण, मन का सरेंडर, मन बुद्धि का अर्पण। अब फिर मध्य में चलो नवे अध्याय में, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत। फिर आया शरणागति और तमाम कर्म ज्ञान भक्ति सब बोल गए श्री कृष्ण। अर्जुन ने हा नहीं किया। ध्यान दीजिए, अर्जुन आखिर में ये तो कहता है, मोहोयम विगतो मम, महाराज अज्ञान चला गया। लेकिन ये नहीं कहता युद्ध करेंगे। अरे जब मोह चला गया युद्ध करना ना? अभी नहीं, क्योंकि अभी आपने इदंते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया, आपने अभी गुह्यतर ज्ञान बताया है। खूब बुद्धि लगाओ पूरी। गुह्यतर एक होता है गुह्य, एक गुह्यतर और एक गुह्यतम। जैसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं ना गुड है बेटर है बेस्ट, ऐसे तो गुह्यतर माने गुप्त में गुप्त, प्राइवेट में प्राइवेट। ये ज्ञान जो है ये प्राइवेट में प्राइवेट है, और कर्म जो है प्राइवेट है, और भक्ति जो है वो सर्व गुह्यतम अंधू यशुन में परम बचा। अच्छा अर्जुन अब तू सुन, प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट, सबसे प्राइवेट। देखो एक तो शब्द रखा गुह्यतम और उसमें भी लगा दिया सर्व, सर्व गुह्यतम। अर्जुन ने कहा हाँ अब आए रास्ते पर हमारे गुरु जी। असली हाथ छुपाए रहते हैं गुरु लोग, कभी चेला चैलेंज कर दे तो मेरे बच्चे बैठे हैं यहाँ, मैं कुछ छुपाता नहीं हूं, डाउट न करें। कहते हैं लोग ऐसा। तो श्री कृष्ण अब अंतिम बात बोल रहे हैं, सबसे गुप्त बात सुन। क्या? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मुझ में लगा दे, मेरी उपासना कर, मेरी भक्ति कर, मुझको नमस्कार कर, मेरे में खो जा। अर्जुन गंभीर हो गया, ये बात तो कुछ जमती है। ये तो कह रहे थे कि तमेव शरणं गच्छो सर्वभावेन भारत। अर्जुन तू उसकी शरण में जा। ऊपर को उंगली उठा रहे थे श्री कृष्ण, ऊपर को, तमेव उसकी शरण में जा। तो अर्जुन ने देखा श्री कृष्ण की ओर कि उसकी शरण में, वाह सामने गुरु जी बैठे हैं, उनसे कहते हैं उधर जा, पट्टी पढ़ा रहे। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, अब तू इसे नहीं मानेगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये गीता का अंतिम और सर्वोच्च सिद्धांत है,
सारी गीता इसी एक श्लोक में भरी है। अगर 10-20 दिन मेरे पास होता तो आपको मैं एक एक रत्न निकाल करके इसी एक श्लोक से बांटता। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है और है बड़ा सीधा तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन सब धर्मों को छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा, तो धर्म छोड़ने का पाप लगेगा ना। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं पाप से जो दंड विधान में जो तेरे ऊपर आय होगा वो पाप का दंड विधान वो मैं माफ कर दूंगा। मैं तो फल देता हूं पाप पुण्य का, और कोई सरकार नहीं है, कहीं दो सरकार भी नहीं है कि एक प्रोविंशियल है एक सेंट्रल है, ऐसा भी नहीं। पर मैं पाप पुण्य का लेखा जोखा करता हूं, तो मेरा ये भी कानून है कि अगर कोई सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाए तो उसके एक दो जन्म के पाप नहीं, अनंत जन्मों के अनंत पाप प्लस अनंत पुण्य, क्योंकि पुण्य भी खतरनाक है ना, स्वर्ग जाएगा उससे, दोनों को मैं समाप्त कर देता। वासुचा तू कुछ बुद्धि मत लगा। देख अर्जुन, तूने पहले अध्याय में क्या कहा, शिष्यस्ते हम, मैं आपके शरणागत हूं, लेकिन झूठ बोला। बड़ा झूठ क्या बोला, अपनी बुद्धि लगाया तूने ना कि मैं आपके शरण में हूं, लेकिन ऐसा है कि इनको मालूम है नहीं, युद्ध नहीं करूंगा। तो क्योंकि जब तू शरण में है तो मन बुद्धि शरण में है ना, और जब बुद्धि शरण में है तो फिर नहीं करूंगा। तू कैसे कह रहा है, कौन सी बुद्धि से कह रहा, तेरे दो मन है क्या, दो बुद्धि है क्या? अरे एक ही मन तो होता है। और अगर तू ऐसा कहता है तो शरणागत नहीं है, धोखा दे रहा है गुरु को, कुछ नहीं मिलेगा। तो बुद्धि का समर्पण करना ही होगा, वहां भी से काम नहीं चलेगा। और एक शब्द और लगा दिया श्री कृष्ण ने, देखो चालाकी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम एकम। महाराज ऐसा ना हो कि आपके भी शरण में रहे थोड़ा इधर भी रहे, ना ये चलेगा। यदा हे वे तस्मिन नु धर्मांतरं कुरुते अथ दस्त भयं भवत। वेद कहता है अगर थोड़ा भी तुमने गड़बड़ किया, 0.1% से भी कम गड़बड़ किया, तो फिर लोहा और पारस दोनों मिलेंगे नहीं, तो सोना बनेगा नहीं। उसको मिलना चाहिए 100%। जरा सा द्रौपदी को अपने भात का बल जब तक रहा तब तक अम्बरावतार नहीं हुआ, जब पूर्ण सरेंडर हुआ तब अम्बरावतार हुआ। गजराज को जरा भी अपने बल का जब तक अभिमान था, युद्ध करता रहा तब तक भगवान नहीं आए। जब वो सरेंडर कर दिया बुद्धि का समर्पण, बस तुरंत अवतार हो गया। तो बुद्धि लगाना गड़बड़ किया तूने अर्जुन पहले अध्याय में, कि शरणागति का मतलब क्या, शरणागति का मतलब आज्ञा मानना, आज्ञा समनसु साहिब सेवा। गुरु आज्ञा देता है मानो, गुरु की आज्ञा सही है कि गलत ये सोचे ना, ना इसलिए कि सही गलत क्या है शिष्य जानता ही नहीं है। अगर ये जान जाए तो गुरु हो गया, फिर तो सही क्या है गलत क्या है ये ला जानते ही नहीं हो। इंडिया का इतना बड़ा एडवोकेट है लेकिन रशिया के कानून नहीं जानता हो, इंडिया का जानता है, इसलिए वो आज्ञा नहीं मानेगा तो शरणागति होगी नहीं। मैंने तुझसे कहा युद्ध कर और तू कहता नहीं करूंगी, और कहता मैं शरणागत तू मारा जाऊ, वाह क्या बढ़िया शरणागति है। जैसे कोई सेठ जी कहे पंडित जी तुमको हमें गाय दान करते हैं, जो कितनी बढ़िया गाय है एक मन दूध देती है, हाँ सेठ जी बड़ी गाय है आपकी, और बछड़ा भी देखो है इसके, हाँ। लेकिन एक शर्त है पंडित जी, इसका सारा दूध दो के रोज दे जाया करो घर में। पंडित जी के होश उड़ गए कि अच्छे दानी मिले सेठ जी, कि हम खिलावे पिलावे खर्चा ऊपर से और ले 25 रुपया रोज का, और इनको दूध दे जाया करें सेठ जी को।
ये समर्पण नहीं होता, ये सरेंडर नहीं है, शरणागति नहीं है, अपनी खोपड़ी लगाओ और शरणागति है। ये चालाकी तो संसार में काम करती है। जैसे रात को कोई 12 बजे आपके यहाँ मेहमान आ जाए तो आप गुस्से में उठते हैं ना, मैं कौन आके मरा है रात 12 बजे घंटी बजा रहा है। और जब आप खोलते हैं और मेहमान सामने दिखता है, हेलो हाय श्रीवास्तव जी आप, अरे वाह छाती से छाती टक्कर खा रही है, बड़े प्यार दिखाए जा रहे। और बीवी बहुत परेशान है क्योंकि अब वो खाना वाना बना रहे कितना आता तो कम से कम दे, थक के आए हैं मेहमान साहब। और जब वो चले गए तो क्या भुलभुलाता हुआ बीवी पति दोनों बात करते हैं आपस में, साला कहाँ आके मरा है, गाली दे। ये संसार में तो चल जाता है क्योंकि संसार अल्पज्ञ है, भगवान के यहाँ महापुरुष के यहाँ धपड़ सपड़ नहीं चलेगी। कि ऊपर से तो कहते हैं महाराज सब आप ही का है, लेकिन एक जरा सी प्रार्थना है, कोई चीज छूना मत। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देख अर्जुन माम एकम शरणम ब्रजो, केवल मेरी ही शरण में रहना होगा और वो भी निरंतर। ऐसा नहीं कि हाँ थोड़ी देर के लिए हम मंदिर में बैठ जाए या अपने घर के कमरे के सामने ठाकुर जी एक रखे हुए हैं बैठ जाए और सही भाव से भी मान लो आंसू बहा दे कि हम शरणागत हैं और उसके बाद जब वहां से उठे तो फिर भगवान गायब हम अकेले, ये नहीं चलेगा। वो तो शर्त ये है कि अरण्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नित्य अभियुक्त होना पड़ेगा, सदा मन लगाए रहे। जरा सा गड़बड़ किया गया खतरा आया। देखिए ये श्लोक जो बता रहा हूं मैं, इसके भाष्य सभी आचार्यों ने किए, थोड़ा सा समझ लीजिए संक्षेप में। जगत गुरु रामानुजाचार्य वो इसका अर्थ करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आधिकारिक भेद के अनुसार कर्म ज्ञान भक्ति का पालन करते हुए प्रत्येक कर्म का कर्ता श्री कृष्ण को माने और फलाशक्ति रहित कर्म करे, कर्म करे लेकिन मन बुद्धि श्री कृष्ण में रखे। तो यह अर्थ किया रामानुजाचार्य। वल्लभाचार्य ने भी यह अर्थ किया कि धर्म जो है ये प्रतिबंधक है, ये बाधक है, ये डिस्टर्बेंस है एक प्रकार का, कि ये भी पालन करें वो भी। वेद में ये लिखा है कौन दुनिया हो प्रपंच में पड़े, इस झगड़े में पढ़ने गलत है। बस भगवान की अनुरक्ति, उनका प्यार, उनमें मन का नित्य लगाओ, बस यही शरणागति एक माता धर्म है। उनके यहाँ तो पुष्टि मार्ग ही शरणागति का है। वल्लभाचार्य माध्वाचार्य ने भी यही अर्थ किया। अब शंकराचार्य का अर्थ सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा जाए घर में। वो अर्थ करते हैं सर्वधर्मान परित्यज, का मतलब है सब कर्मों को छोड़ दो। धर्म मधर्मन क्यों ये भाष्य उनका, यानी सब कर्म ही छोड़ दो, कोई कर्म न करो, कर्म मात्र का परित्याग कर दो। अच्छा चलो कर दिया, और श्री कृष्ण की शरण में जाओ ना, श्री कृष्ण के शरण में न जाओ, फिर अपनी शरण में जाओ। माम एकम, श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरी एक शरण में आ जाओ। तो उसका अर्थ कर रहे हैं शंकराचार्य कि माम माने अपनी, अपनी शरण में चले जाओ। देखिए कितनी भीगा मुश्किल है। और जबकि वही शंकराचार्य अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, इस श्लोक के भाष्य में लिखा श्री कृष्ण ही भगवान है, उन्हीं की शरण में जाना है। अजोपिसन नब्बे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन, इस श्लोक की व्याख्या में भी लिखा श्री कृष्ण ही दिव्य देह धारण करके अवतार लिए हैं। और इस श्लोक की व्याख्या में लिखते हैं कि कर्म संन्यासी बन जाओ।
अब कर्म सन्यासी बन जाओ जब कह रहे हैं, अर्जुन कहता है करिष्ये वचनंत, महाराज आप जो आज्ञा देंगे करेंगे। अब अर्जुन ने किया क्या, युद्ध। तो कर्म सन्यासी कहां बनाओ, कर्म सन्यासी का मतलब कुछ न करे, ना अच्छा ना बुरा, कोई कर्म धर्म नहीं। तो शंकराचार्य कहते हैं गीता का जो एम है वो कर्मयोग नहीं है, युद्ध कराना ये कर्मयोग है। गीता का एम है कर्म संन्यास। अगर कर्म संन्यास गीता का उद्देश्य है तो फिर युद्ध क्यों कर रहा है, तो सन्यासी हो जाना चाहिए, सीधी सी बात। अब चलिए आइए, शंकराचार्य के जितने अनुयायी हुए हैं विद्वान, उसमें सबसे टॉप के थे मधुसूदन सरस्वती, मधुसूदन सरस्वती। उन्होंने तमाम गीता के सब श्लोकों का भाष्य लिखा, बड़े प्रकांड विद्वान, लॉजिक से सिद्ध किया ब्रह्म को। लेकिन जब इस श्लोक की व्याख्या लिखने लगे तो उन्होंने कहा मैं प्रयास नहीं करता गुरु जी की, न शंकराचार्य की, न किसी इस अध्ययन उसने किया है शंकराचार्य ने, इसका भाष्य भी लिखा है। इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है कि सब धर्मों का, माने अर्जुन के मस्तिष्क में जो धर्म की बीमारी लगी थी पहले अध्याय में कि पाप होगा इनके सबके मारने का, तो भगवान कहते हैं धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, श्री कृष्ण ब्रह्म की शरण में आ जा, ये अर्थ है इसका। और चाहे प्रवृत्ति मार्ग का हो चाहे निवृत्ति मार्ग का हो, यानी चाहे कर्म योगी हो चाहे कर्म सन्यासी हो, दोनों को श्री कृष्ण की शरणागति कंपल्सरी है, उसके बिना माया निवृत्ति नहीं हो सकती। और नंबर तीन, कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है और ज्ञान से श्रेष्ठ भक्ति है, और भक्ति की अंतिम अवस्था उसका जो मूल केंद्र है वो शरणागति। शरणागति के बिना भक्ति नहीं, भक्ति के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कर्म नहीं। तो आधार है शरणागति, उसके बिना कहीं काम नहीं चलेगा। न प्रपत्ते परा विद्या, भारतवाज संहिता जी के कोई रास्ता नहीं। यहां पर मधुसूदन सरस्वती ने एक ऋग्वेद का मंत्र कोट किया है, इंद्रं त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत् ऋग्वेद। अर्थात वेद कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं क्योंकि आपकी शरण से ही आप कृपा करेंगे, क्योंकि आपकी कृपा से ही माया निवृत्ति होगी, और कोई मार्ग नहीं। सब जगह ही लगा ही, इसीलिए गीता में कहा मामे उजे प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते माम एव, एव माने ही, जो केवल मेरी ही शरण में आएगा वही इस माया से उत्तीर्ण हो सकता है। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, प्रपत्ति के बिना कोई मार्ग नहीं, शरणागति के बिना कोई साधन नहीं। इसलिए शंकराचार्य ने जो ये कहा कि सन्यासी बनने के लिए यह श्लोक है, तो उनके शिष्य मधुसूदन सरस्वती कहते हैं ये 100% गलत है, 1% नहीं। गीता का तो अभिप्राय है केवल कर्म योग, और वही अर्जुन ने किया, दुनिया जानती है युद्ध किया, सन्यासी नहीं बनाओ, और सन्यासी भी कोई हो जाएगा तो भी श्री कृष्ण लागति के बिना उसको न मोक्ष होगा न ज्ञान होगा, ये स्वयं शंकराचार्य भी 50 चीजें कह चुके हैं। इन्हीं शंकराचार्य के अनुयायी एक और भी है आजकल हुए हैं जो लोकमान्य तिलक, उनकी भी टीका होता तो बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, वो शंकराचार्य के अनुयायी, लेकिन उन्होंने भी यही सिद्ध किया कि नहीं नहीं ये संन्यास परक नहीं है, और गीता का एम संन्यास नहीं है, कर्म योग है, और सर्व साकार श्री कृष्ण में ही शरणागति स्वीकार करनी है, यही सिद्धांत है गीता का। इस प्रकार सारे भाष्यकारों ने यही पर आकर उपसंहार किया कि शरणागत होना होगा, और मोटी अकल में भी आप लोग समझ लीजिए
संसार में कोई चीज आपको पाना है किसी से तो कैसे पाएंगे, या तो दाम दे दो ले लो, और या तो रिवाल्वर दिखा करके रख दो, और या तो बाबूजी दो पैसा मांग लो। अब भगवान सर्वशक्तिमान है, दिव्य है, दाम क्या दोगे? तुम्हारे पास सब सामान प्राप्त माइक, तो क्या दे करके दिव्य आनंद लोगे? कोई मूल्य नहीं तुम्हारे पास। भगवान को जबरदस्ती बांध करके डकैती से ले लो, जी वो दिखाई नहीं पड़ेगा, डकैती क्या करोगे? तो तीसरा मार्ग रह गया वो गिड़गिड़ा कर रोने का, मांगने का, जैसे भोला बच्चा अबोध बालक माँ को भी नहीं पहचानता लेकिन भूख लगने पर रो देता है उतार लेता हुआ बिना ज्ञान के। और माँ कुछ भी करती हो उसके कान में भनक पड़ी, सब काम छोड़कर आती है और दूध पिलाती है। उसी भोले बालक की अवस्था में एक बार फिर जाना होगा, तब कंप्लीट सरेंडर कहलाएगा। और जैसे माँ उस नवजात शिशु की क्षण क्षण की देखभाल करती है, ऐसे भगवान योगक्षेम बहाम्यहम् उसके योगक्षेम को बहन करेंगे। और जब लड़का बड़ा होने लगा तो माँ ने योगक्षेम बहन करना कम कर दिया, तो आप थोड़ी शरणागति रखते हैं भगवान के प्रति, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखते हैं आपका। यदि आप एक दिन में कहते हैं इतने शरणम मम, भगवान देते धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, हम बहरे हैं वो सुनाई नहीं पड़ता। इसलिए गीता का प्रारंभ, गीता का मध्य, गीता का एंड सब श्री कृष्ण शरणागति पर ही निर्भर है। इसलिए अगर किसी को गीता का ज्ञान प्राप्त करना है तो किताबों में न जाओ, पंडितों विद्वानों महात्माओं के पास न जाओ, कमरे में बैठकर या कहीं एकांत में बैठकर वो गीता वाले श्री कृष्ण को अपने सामने मन के द्वारा ध्यान में बनाकर और उनके आगे आंसू बहाकर रो अबोध बालक की भात शुद्ध हृदय से, और उनसे रोकर कहो महाराज मुझे जो कुछ देना आवश्यक समझो दो, मैं ज्ञान भी नहीं मांगता, मैं कुछ नहीं जानता क्या चाहिए मुझको, एक ही डिसीजन भी आप इनके ऊपर छोड़ते हैं, जो मेरे लिए आवश्यक हो आप दो। जब इस प्रकार रोकर आप श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाएंगे तो अंतःकरण की शुद्धि होगी। ऐसी प्रकार होते होते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब वो किसी महापुरुष को भेज देंगे, मिला देंगे आपसे, तब वो महापुरुष आपको दिव्य प्रेम दान करेगा, तब आप अपने परम चरम लक्ष्य परमानंद को प्राप्त करेंगे। और इसी आधार पर यही अर्जुन गीता ज्ञानी अर्जुनी नाम की गोपी बनकर महाराष्ट्र में भी गया और उस परमानंद को जो भागवत का रस है उसको प्राप्त किया। समय नहीं है, सरस विषय हम सुना नहीं सकते हैं क्योंकि गीता के प्रवचन की आज्ञा हुई है, और फिर जब कभी अवसर आएगा तो फिर भागवत आदि सरस विषयों का उल्लेख आपके सामने किया जाएगा। आज का उपसंहार यही पर बोलिए वृंदावन बिहारी की जय।